बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है मैं आपको कुछ थोड़े से लिपस्टिक के शेड्स की जो है वो अपनी दिखाती हूँ, क्योंकि आगे जो है ना वो शादियों का सीज़न आने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को थोड़ा सा जो मेरे पास थोड़ी सी कलेक्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें जो है ना कुछ लोगों को जो है ना वो अच्छे डार्क शेड्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लाइट शेड्स पसंद होते हैं। तो उसी हिसाब से ना मैंने कुछ लाइट और कुछ डार्क शेड्स की जो है वो कलेक्शन जो मेरे पास है मैं आपको मैं दिखाती हूँ, ताकि जो लड़कियाँ अभी ब्राइड टू बी हैं उनके लिए आसानी हो कि अगर उनको कोई शेड इसमें से अच्छा लगता है तो वो अपने लिए जो है ना इसमें से कोई शेड बाय कर सकें। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मेरे पास मेडोरा की जो ये सारी मेरे पास जो कलेक्शन है वो मेडोरा की है, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। अच्छा, अभी जो मेरे पास फर्स्ट शेड है ना वो है मैट में है, ठीक है, और वो उसका नंबर है G807, ठीक है। तो इसका मैं आपको सबसे पहले स्वैच करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसका जो है ना ये रेड शेड है और बड़ा खूबसूरत सा रेड शेड है, ठीक है। ये इस तरह का जो है ना शेड है। तो अच्छा, अब उसके बाद जो मेरे पास जो है ना वो दूसरा शेड है, मैं आपको साथ साथ सारे दिखाती जाती हूँ। इसमें से कुछ लाइट हैं और कुछ डार्क हैं। अब जो दूसरा मेरे पास शेड है वो है ब्राउन कलर में, ठीक है। ये भी मैट में है और 231 जो है ना इसका नंबर है। तो अब ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ये भी बहुत ही खूबसूरत शेड है और मेरा तो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत यूज़ भी किया हुआ है और ये लगाने के बाद भी ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। बड़ा नेचुरल सा न्यूड सा शेड है और ये मैट में है, ठीक है। अच्छा, इसका ये इस तरह का स्वैच है, ठीक है। अब जो मेरे पास थर्ड शेड है, ठीक है, वो है 561। मैंने मेडोरा का इसलिए जो है वो इंतखाब किया है क्योंकि ना मेडोरा जो है वो इजीली हर जगह आपको अवेलेबल है, हर स्टोर से, हर जगह से ना कॉस्मेटिक स्टोर से आपको आराम से मिल जाता है। अच्छा, अब इसका जो शेड है वो है थोड़ा पिंकिश में है, थोड़ा आप देखें कि इसका इसका पिंक शेड है, ठीक है। और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा शेड है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो जो मेरा फोर्थ वाला है वो है जी 224। ये भी मैट में है, ये भी मैट में है और ये है 224। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा पिंकिश और रेड जैसे अनारी कलर होते हैं ना, ये वैसा है। तो जो इस तरह के शेड्स को पसंद करते हैं तो ये आपको लेने में आसानी होगी कि जो है ना आप स्वेचेस को देख के तो इजीली अपने लिए जो है ना इसमें से शेड का इंतखाब कर सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी का शेड हो वो आप इसमें से बाय कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरे पास अब नेक्स्ट शेड है वो है जी 552, ठीक है। अब इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत शेड है, ये भी आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ की हुई है और मतलब आने जाने में ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये जो है ना ये भी इसको भी आप ब्राउन और नेचुरल सा बड़ा प्यारा लगता है शेड ये भी, ठीक है। इसका नंबर था 552। अब जो नेक्स्ट मेरे पास शेड है वो भी ब्राइड्स के लिए, जो नई नई जिनकी शादी होने वाली है थोड़े ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं शुरू शुरू के दिनों में, तो 222 जो है ना इसका नंबर है। इसको जो है ना ऐसे करते हैं कि मैं अपना ब्रेसलेट उतार लेती हूँ या मैं आपको यहाँ पर इसका स्वैच करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है,
बिल्कुल जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर में, ठीक है। और ये है 222। अच्छा, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट वन है 246, ये भी मैट में है, ठीक है। और इसका जो है ना, ये ब्राउन कलर है और थोड़ा सा ना ये शिमरी है। आपको मैं बल्कि यहाँ पे करके दिखाती हूँ। वैसे तो इसमें मैट आ रहा है, लेकिन है ये थोड़ा सा इसमें ना शाइन भी है। तो ये मेरी कुछ लिपस्टिक की कलेक्शन थी, जो कि आई होप कि आपको इसमें मदद मिलेगी। जो लड़कियां अभी जिनकी न्यू जो है वो न्यूली जिनकी या तो न्यूली वेड हैं या जो कि जिनके भी शादी होने वाली है, तो उनको चॉइस करने में और अपने लिए लिपस्टिक्स जो है ना उसकी सिलेक्शन करने में आसानी होगी। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको जो है इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो इसके साथ ही जो है मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, ठीक है। और जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, उसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।